हाय फ्रेंड्स, मैं मीत वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज मैं आप सबके लिए एक नया अपडेट लेकर आई हूँ जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुका है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से अलग अलग 3 से 4 तरह के नोटिफिकेशन और आ गए हैं, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है और अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आपको वही बताऊँगी, बिकॉज आपको यही कन्फ्यूजन रह रही है कि अप्लाई करना किस तरह से है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन सी पोस्ट आउट हुई है, सिलेक्शन आपके इसमें क्या कैसे होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखना। इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आऊँगी। और बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा आज ही बिल्कुल फ्रेश लगभग 4 नए नोटिफिकेशन आ गए हैं जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग आ गई हैं और सेंटर की अलग आई हुई है। जैसे रेलवे का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, SSC का आया हुआ है, इसके अलावा बैंक के 2 से 3 नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं और एक नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें 10th और 12th के लिए वैकेंसीज भी आउट की गई हैं बैंक की। तो मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करके आ चुकी हूँ www.glory.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा एंड आप स्क्रीन पे वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करना है आपको। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो आपको फर्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना नाम, अपना फादर नेम और अदर डिटेल आप अपने फिल करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहता है। सेकेंड स्टेप जो आपका रहता है वो रहता है आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का, मतलब आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा अप्लाई ऑनलाइन का, जिसमें आपने अपनी रिक्वायर्ड डिटेल फिल कर लेनी है, जिसमें आपका नाम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, 10th आपने कब पास आउट की है, कितने परसेंटेज थी आपकी, कौन सी बोर्ड से पास आउट की है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने आपने लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना है तो वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट आउट की गई है। तो ये जो पोस्ट आउट की गई है GDS की है, मीन्स ग्रामीण डाक सेवक की है और 2500 प्लस वैकेंसीज को आउट कर दिया गया। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल सिंपल है, तो आपने घबराना नहीं है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई कर लेना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो आपकी जो एज है मिनिमम 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 40 है। हमेशा GDS की पोस्ट के लिए 18 टू 40 ही एज रहती है और अभी भी इस बार भी वही है, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लस रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जिसमें 3 साल का OBC कैटेगरी के लिए है और 5 साल का SC ST के लिए है। बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे फिजिकली हैंडीकैप के लिए और अदर कैटेगरी, वो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। आपने 10th पास की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका इसमें 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी, उसी के बेसिस पे इसमें आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 12,500 से लेके 14,500 रहेगी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 11th दिसंबर 2020। सो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, 11th दिसंबर 2020 तक आपको इजीली अप्लाई कर लेना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें आउट किया, मतलब वैकेंसी को मैंने आपको बता ही दिया 2500 प्लस है, मतलब कौन कौन सी स्टेट की कितनी वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज आउट की गई है पंजाब की है, 516 वैकेंसीज है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए है 946, 1118 वैकेंसीज आउट की गई है झारखंड के लिए। आप एलिजिबल है तो ज़रूर से आपने अप्लाई करना है। सारे के सारे लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।